उर्दू के क्लासिकी शुर् में तीन नाम हमेशा सरफहरस्त रहेंगे मीर गालिब और अनीस गालिब 27 दिसंबर सत्रह को आगरे में पैदा हुए थे और 15 फरवरी अठारह को बम्र इकहत्तर साल उनका दिल्ली में इंतकाल हुआ मुनासिब होगा कि जदीद अफकार की रोशनी में उनकी शायरी का एक सरसरी जायजा लिया जाए ऐद हाज़िर में गालिब की मकबूलीत का राज दरअसल उनके अफकार में पोशीदा है हर चंद उन्होंने एक दो मकाम पर मसाइल तस्फ़ के बयान को अपनी गज़ल गोई का इम्तियाज करार दिया है मसला ये शेरी मसाइल तस्फ़ ये तेरा बयान गालिब तुझे हम बली समझते जो ना बदा खारफ होता बात यह है कि ये उस दौर की बात है जबकि शायर तस्ुफ़ से ताल्लुक को ताल्लुक रखता हो या ना रखता हो मसाइले तसवु का बयान बहर तौर गज़ल में नागजीर था वरना हकीकत यह है कि गालिब बातबार फिर एक मरद आज़ाद थे जैसा कि खुद फरमाते हैं ये नाशे बे असद खस्ता ना की है हक मख्रत करे अजब आज़ाद मरता उनके कलाम में इंसान और इंसान इंसान और खुदा नीज इंसान और कायनत के बाहमी रिश्तों और रवैयों के बारे में जो हकीमाना निकात जा बजा बिखरे हुए मिलते हैं वो सब के सब उनकी फ़िक्र आज़ाद के मजहर हैं उन्होंने हयात तो व काय के मसाइल का बिल्कुल आजादाना तौर पर ज़ती जाविया नगाह से जायज़ा लिया है और जिन नतज पर पहुँचे हैं उन्हें अपने मखसूस और मुनफरिद शेरी इसलूब में अदा कर दिया है अदाए खास से गाली भूआ है नुकता सरा सलाह आम है यारान नुक़दा के लिए मिसाल के तौर पर आपकी तवज्जो दीवान गालिब के पहले ही शेर की तरफ मबदूल कराना चाहता हूँ नक्श फरियादी है किसकी शौखी तहरीर का कागजी है पैरहन हर तस्वीर का इस शेर में शौखी तहरीर से मुराद है किसी लौह या कागज़ पर बनाए जाने वाले आड़े तिरछे नक्श व नगार जो बिल्कुल मुहम्मल और लायानी होते हैं गालिब की नज़र में इंसानी वजूद भी कलम कुदरत से बनाया हुआ एक ऐसा ही मोमल, एपसट और लायानी मीनिंगलेस नक्श है इसी मोहमल नक्श गरी को लजत ईजाद से ताबिर करते हुए इकबाल ने बाराह खुदाबंदी में इस तरह एहतजाज किया है ये मुश्ता ये सर सर ये वसत अफलाक़ ये मुश्ता ये सर सर ये वसत अफलाक शितम है या के करम तेरी लजत ईजाद इस फना पजीर नक्श यानी वजूद इंसानी का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि उसे इसका इद्राक भी नहीं कि आखिर गायत वजूद है क्या बेसरपाही गुजरती है हो गर्च उम्र खजर हजरत भी खल कहेंगे कि हम क्या किया कि ये ला इंसान के उस जहनी कर एंगिश की सूरत इख्तियार कर लेती है जो आ, जिसे मिर्जा ने अपने एक शेर में गम हस्ती से तबीर किया है गम हस्ती का सद किससे हो जुज मर सम हर रंग में जलती है शहर होने तक इसी गम हस्ती को वजूदी फिक्र एग्जिस्टेंशियल थॉट कि इस कलाम में करब वजूद हंगिस ऑफ बीइंग से तबीर किया गया है इस आलम में मौजूदात की असलियत क्या है क्या ये कोई हकीकत है या महज बाहमा ये इस कस्म के सवालात हैं जो हमें कलाम गाली में गालिब में बतकरार मिलते हैं जबकि तुजबिन कोई नहीं मौजूद जबकि तुझबिन कोई नहीं मौजूद फिर ये हंगामा है खुदा क्या है सब्जा व गुल कहाँ से आए हैं हब्र क्या चीज़ है हवा क्या है ये इस्तफामिया अंदाज कला में गालिब की एक मुतवा और मुस्तिल खसूसियत है यहाँ भी हमारे इस बुलंद निगाह शायर ने जो सवालत उठाए हैं वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये सारा आलम मौजूदात बस एक शराब की मानंद है एक फरेब नजर है ये सारा इल्म हिकमत ये शायरी ये शायरी ये जोर व तखबा ये किश्वर शितानी बस वक्त ही तमाशे हैं उनकी नज़र में मरादिया गालिब की नज़र में कारगाह हयात एक बाजी चाहे या फाल ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखती औरंगमा हो या ये एजाज़ मसीहा आज इन सब की हैसियत सब की हैसियत महज दास्तानों से ज़्यादा की दास्तानों की, की है ऐसा मालूम होता है कि हमारा ये शायर कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल हवाई जहाज़ से नई दिल्ली की सड़कों पर निगाह डाल रहा है और दौड़ती हुई कारों को देखकर ऐसा महसूस कर रहा है जैसे बच्चों का खेल के मैदान में तमाशा हो रहा हो बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे बाजी चाहे अत्फाल है दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे एक खेल है एक खेल है औरंग और सलेमा मेरे नज़दीक एक बात है एजे मसीहा मेरे आगे अभी कहते हैं जिस शक्ल नहीं जिस शक्ल नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर जिस वहम नहीं हस्ती है अशिया मेरे आगे इन ख्याल का इजहार गालिब ने सिर्फ अपने शारी में नहीं किया बल्कि नसरी तहजीरों में भी जा बजा ये यह ख्याल मिलते हैं मसला अपने शागिद मुंशी अहरगोपाल तफ्ता को यह ख़त में लिखते हैं हम तुम दोनों अच्छा खासे शायर हैं माना के शादी और हाफिज की तरह मशहूर रहेंगे उनको शहरत से क्या हासिल हुआ कि हमको तुमको हो इंसानी वजूद चंद रोज़ा है जब मौत से किसी तरह मफर नहीं तो फिर गालिब का नुत नज़र यह है कि जिंदगी का एक एक खतरा अपने जाम में निचोड़ लिया जाए एक ख़त जो उन्होंने अपने दोस्त हतम अली मेहर को उनकी माशूखा के इंतकाल के मौके पर लिखा है उनके नुक़ नज़र की वजाहत के लिए काफ़ी है लिखते हैं इब्तदाई शबाब में एक मुर्शद कामिल ने नसीहत की है कि हमको जो दोबारा बड़ा नहीं हम माने ये फिसको फजूर नहीं खाओ पियो मज़े उड़ाओ एनी ई ड्रिंक एंड बी मेरी मगर याद रहे मिसरी की मक्खी बनो शहद की मक्खी न बनो सो भाई मेरा इस नसीहत पर अमल रहा है किसी के मरने का गम वो करे जो आप न मरे कैसी अशफानी कहाँ की मरफिया खान इंसान और कायनात के रिश्तों पर गौर करते वक्त उनका रवैया ये होता है कि यहाँ ये बात बहुत अहम है और हमें याद रखनी चाहिए जो बो, बो कहना चाहते हैं कि यहाँ दुनिया में रंग नस्ल जबान मजहब माशरत के जो इख्त हमें दिखाई देते हैं वो हमारे अपने बनाए हुए हैं हमारे अपने बनाए हुए वरना हकीकत यह है कि बनी आदम के सब के सब सब के सब एक वैदत एक रिश्ता वैदत में पिरोए हुए हैं गालिब के बकौल है ये शेर याद रखिए जी चाहता है कि इस शेर को इंडियन पार्लियामेंट की दीवारों पर बड़े हरूफ से लिखा दिया जाए है रंगे लाल गुल नसनी जुदा जुदा हर रंग में बहार का अस्वाद चाहिए मिर्जा के अफकार का जायज़ा लेते वक्त लेने के लिए वक्त दरकार है मौलाना हाली मरहूम ने उनकी मौत पर जिन तर का इजहार किया है वो सिर्फ एक शहादतमंद शागिर्द के तसरा नहीं हैं बल्कि हक़ाइफ पर मबनी हैं बुलबुलें हिंद मर गया है हाथ जिसकी थी बात बात में एक बात नुकता दाँ नुकता सन्ज नुकता शनास पाक दिल पाक पाक सिफात एक रोशन दिमाग था न रहा शहर में एक चराग